Hi guys, it's been an extremely hard year for everyone and we are no different. बताते चले कुछ अरसे से पूरे सोशल मीडिया पर शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक की खबरें गर्दिश कर रही थी और सानिया मिर्जा इनडायरेक्टली ये बात काफी दफा कह चुकी थी कि शुएब मलिक और मजीद एक दूसरे के साथ नहीं रहते। इसके अलावा सानिया मिर्जा ने अपनी सालगिरह पर अपने बेटे के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेरी तकलीफ ज्यादा दिनों में मेरा बेटा ही है जो मुझे सहारा दिए हुए है और संभाले हुए है। हमेशा अपने धूमधाम अंदाज से सालगिरह सेलिब्रेट करने वाली सानिया मिर्जा को इस सालगिरह पर इतना दुखी और अकेले देखकर हर कोई शुएब मलिक को काफी बुरा भला बोल रहा था। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक की खबरें हर तरफ गर्दिश करने लगी। इसके अलावा बताते चले सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत सी तस्वीरें और पोस्ट लगाकर ये साफ जाहिर किया कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा मजीद एक दूसरे के साथ नहीं रहते और सानिया मिर्जा मदाहों को ये बताना चाहती है कि शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा को धोखा दिया है। सानिया मिर्जा की शुएब मलिक के तलाक की खबरें जब सोशल मीडिया पर बेहद गर्दिश करने लगी और तमाम लोग तरह तरह की बातें करने लगे, हर कोई शुएब मलिक को बुरा भला बोलने लगा। इसके अलावा पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा आयशा उमर शुएब मलिक के रिलेशन की खबरें भी गर्दिश करने लगी तो सानिया मिर्जा ने खामोशी तोड़ी और तलाक के बारे में किए जाने वाले तमाम सवालों के जवाब देने के लिए शुएब मलिक के साथ आखिरी दफा लाइव आ गई। शुएब मलिक और अपनी तलाक की असल सच्चाई और कुछ ऐसी हकीकत और संगीन बातें की कि सबके होश उड़ा दिए। मगर शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की वो लाइव वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों को बताते चले शोबिज इंडस्ट्री में रिश्ता तोड़ना और जुड़ना काफी आम बात समझी जाती है और आजकल तो वैसे ही जैसे तलाकों का सीजन चल रहा है। हर अदाकार जोड़े की तलाक की खबर सुनने को मिल रही है। तकरीबन हर दूसरे दिन किसी न किसी अदाकार जोड़े में तलाक हो रही होती है, जैसे कि सजल अली की तलाक, उर्वा और फरहान की तलाक, फिरोज की तलाक, इमरान अशरफ की तलाक और आज रिसेंटली मशहूर अदाकारा जिसने अपने शोहर के साथ शादी के 20 साल गुजारे, इसने भी अपनी तलाक के बारे में मदाहों को बताकर शॉक कर दिया। और फिर सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की तलाक। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक का कपल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बेहद पसंद किया जाता है। दोनों की तलाक की बड़ी वजह कहा जा रहा था कि शुएब मलिक का मशहूर अदाकारा आयशा उमर के साथ रिलेशन था। शुएब मलिक ने अदाकारा आयशा उमर के साथ एक ब्रांड के लिए काम किया। इस ब्रांड के प्रमोशन के दौरान दोनों के काफी रोमांटिक तस्वीर और वीडियो सामने आई और सानिया मिर्जा का कहना था कि दोनों ब्रांड के प्रमोशन करते करते वैसे भी एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। और जब सानिया मिर्जा को इस बात का इलम हुआ तो सानिया मिर्जा ने अलहदगी का मुतालबा कर दिया। इसके अलावा बताते चले सानिया मिर्जा और शुएब मलिक का लाइव आकर ये भी कहना था कि गलती किसी की भी हो मगर दोनों ने तलाक का फैसला एक दूसरे से मशवरे से किया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, इस बात का अंदाजा हमें काफी अरसे बाद यानी कि शादी के 12 सालों बाद हुआ और हमने एक दूसरे की मर्जी से अलग होने का फैसला किया। मगर इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को सानिया मिर्जा शुएब मलिक खबर क्यों हुई। कंप्लीट डिटेल्स आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर आपको बताते चलेंगे रिसेंटली ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की भी तलाक हो चुकी है। इनकी तलाक के बारे में सुनकर फैंस काफी ज्यादा दुखी हुए, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलेंगे तलाक की बड़ी वजह शुएब मलिक को बताया जाता है। बताया जा रहा है कि शुएब मलिक सानिया मिर्जा के साथ शादी में मजीद इंटरेस्टेड नहीं थे और बताया जा रहा है कि शुएब मलिक पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में है, जिनके बारे में सानिया मिर्जा को भी पता चल चुका है। इसके बाद सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक के साथ सेपरेशन का फैसला किया। कुछ ऐसे पहले शुएब मलिक और आयशा उमर का एक फोटोशूट काफी ज्यादा वायरल हुआ था और फैंस को ऐसा लग रहा है कि शायद आयशा उमर की वजह से इन दोनों की तलाक हुई है। यहाँ पर आपको बताते चलेंगे बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सानिया मिर्जा से पहले भी शुएब मलिक शादीशुदा थे और इन्होंने अपनी पहली बीवी को 2010 में तलाक देकर सानिया मिर्जा के साथ शादी की। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक का एक बेटा भी है जिसका नाम इजहान मलिक है और इजहान के बारे में यही बताया जा रहा है कि आजकल वो सानिया मिर्जा के साथ है और शुएब मलिक अपने बेटे इजहान की कस्टडी के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है। रिसेंटली इजहान की सालगिरह पर भी सानिया मिर्जा अकेली मौजूद थी जबकि शुएब मलिक इनकी सालगिरह पर मौजूद नहीं थे। और पिछले काफी टाइम से सानिया मिर्जा की इंस्टाग्राम पोस्ट पे इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वो काफी ज्यादा दुखी हैं और इनकी शुएब मलिक के साथ तलाक हो चुकी है। वाजे रहे कि टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा और क्रिकेटर शुएब मलिक की पहली मुलाकात 2010 की शुरुआत में हुई और तकरीबन 5 महीने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद इन दोनों ने अप्रैल 2010 में शादी का फैसला किया। इनकी शादी इंडिया और पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा बड़ा इवेंट थी और शादी के बाद से अब तक भी इन दोनों के कपल को दोनों मुल्कों में भी इंतहा पसंद किया जाता है। डेफिनेटली आपको इन दोनों की तलाक के बारे में जानकर काफी बुरा लगा होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों को अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा ताकि अपने अपने जिंदगी में मूव ऑन कर सके। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।